बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्में और उनके सीन्स और गानों के लिए सब्सक्राइब करें अल्ट्रा बॉलीवुड और बेल आइकन पर प्रेस करें। रुक जा गुड्डी, हिलना मत और सांस भी मत लेना। क्या हुआ सर जी? देख सामने, देख कुछ दिखाई दे रहा है तुझे? कुछ बॉडी है? कुछ नहीं सर जी। किसी ने खाली शिकार को उड़ाया है? गधा कहीं का। किस पे खड़ा है तू? पट्टे पर सर जी। उसके नीचे क्या है? कुछ है सर जी, वायर वगैरह कुछ है सर जी। मैं बताऊं क्या सर जी, तू आईडी पे खड़ा है। अगर तू हिला तो पता है क्या हो जाएगा, तेरे छितड़े उड़ जाएंगे, तेरा सर उड़ के वहां चला जाएगा और टांगे चल के यहाँ आ जाएंगी। I'm sorry, सर जी। गधा कहीं का, जोश में होश खो देता है तू। अविनाश सर, एवरीवन आउट, आउट, कम ऑन, आउट। अविनाश आउट। यस सर। डर लग रहा है गुरुदीप? वाई गुरुदीप, याद आ रही है सर जी। सर जी हाँ, सुसु निकल रहा है सर जी। तो निकाल ले बिना हिले। हो गया? हाँ सर जी। हल्का हो गया ना? हाँ सर जी। ठीक है, तो इतनी जोर से छलांग मार के बम फूटने से पहले है ना, तू पानी में पहुंच जाए। तैरना नहीं आता सर जी। फिर तू गया सर जी? क्या बात कर रहे हैं सर जी, मैं तुझे नहीं बचा सकता। तुझसे ऐसा कर रहे हो सर जी? कोई तरीका नहीं? कोई तरीका नहीं। अविनाश। यस सर। टेल ऑल दिस मेन टू स्टेप बैक। अगर कुछ हो गया सर, इसे संभाल के रखना, ये सरकारी नहीं मेरी अपनी है। चल हट जा, हट जा। You great sir. मेरी एक greatness है ना, नीलू को मत बताना, okay? Yes sir. Go. Sir. Salaam alaikum Dr. Akhtar. Waalaikum assalam. आइए, मरीज यहाँ बैठे, बताइए क्या तकलीफ है? क्या बताएं डॉक्टर साहब, आजकल दिलो दिमाग में एक जुनून सा छाया हुआ है। ना भूख लगती है ना प्यास, चारों तरफ एक ही आवाज सुनाई देती है, आजादी आजादी आजादी। देखिए मैं एक डॉक्टर हूं, इस मामले में मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? कर सकते थे पर आपने की नहीं। बड़ा अफसोस होता है जब आप जैसे पढ़े लिखे लोग कश्मीर की आजादी के लिए ऐसी बेरुखी दिखाते हैं। माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। तुमने मुझे नहीं पहचाना? जी नहीं। तुमने मुझे नहीं पहचाना? देखिए, देखा? ए! ये मलिकुल खान है गद्दार। मलिकुल खान? नहीं, घर है। खैर कोई बात नहीं, आपने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन मेरा फतवा तो आपको मालूम था ना? हाँ? फिर एसएसपी खान का इलाज करने की क्या जरूरत थी आपको? देखिए मैं एक डॉक्टर हूं और मरीज का इलाज करना ही मेरा मजहब है। मजहब? ला इलाहा इल्लल्लाह। देखा क्या करवा दिया डॉक्टर अख्तर ने मुझसे? 40 मील चलकर आया था मैं इनके पास, अगर मैं ऐसे ही लौट जाता तो लोग कहते मलिकुल खान सिर्फ बातें करता है,
लीडरों की तरह कुछ करता नहीं है ना। मैं क्या करता, कश्मीर की आजादी के लिए तो कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। इरफान? Yes, Mrs. Khan. वहाँ क्या कर रहे हो? नीचे उतरो, नीचे उतरो। ठीक है, उतरता हूँ। इरफान क्या कर रहे हो? नीचे उतर रहा हूँ। यहाँ से नहीं, अंदर से। अभी अभी तो आपने कहा नीचे उतरने के लिए, तो मैं नीचे उतर रहा हूँ। बोला ना अंदर जाओ, अंदर जाओ इरफान, प्लीज। डरो मत अम्मी, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। नहीं इरफान, गिर जाओगे तुम। नहीं गिरूंगा अम्मी। नहीं नहीं बेटा, नहीं। जरा सी चोट लगी, डॉक्टर साहब सब ठीक कर देंगे। क्या ठीक कर देंगे, ये तो ऐसे हाथ भी नहीं लगा रहे हैं। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा इरफान। I'm sorry खान साहब, मलिकुल खान का फतवा जो। कुछ नहीं होगा आपको, मैं पूरी पुलिस फोर्स लगा दूंगा, आप मेरे बेटे का इलाज कीजिए। आप तो जानते हैं डॉक्टर अख्तर का क्या हुआ, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। मलिकुल खान का, मलिकुल खान तुझे बाद में मारेगा डॉक्टर, उससे पहले मैं तुझे मार दूंगा डॉक्टर। मार दीजिए, कम से कम मेरे घर वाले तो बचे रहेंगे। वो लोग तो बीवी बच्चों को भी नहीं छोड़ते खान साहब, बीवी बच्चों को भी नहीं छोड़ते। इरफान, आगे खोलो ना। इरफान, क्या कर रहे हो? इरफान, आईसीयू का है। सर आगे जाके फर्स्ट ट्राई। ये तो आंखें भी नहीं खोल रहा है। इरफान, कोई नहीं है यहाँ पे, कहाँ है डॉक्टर? नर्स, नर्स। इरफान, डॉक्टर कहाँ है? ड्यूटी पे कोई नहीं है सर। क्या कुछ कीजिए, कुछ नहीं हुआ सर, कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को बहुत चोट लगी है, छत से गिर गया था, सर पे चोट लगी उसे। डॉक्टर साहब आइए ना, प्लीज चेक कीजिए उसे, प्लीज डॉक्टर साहब आइए ना, आइए ना सर। वो फतवा, I'm sorry, Mr. Khan. क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। इरफान, 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 क्या हुआ मेरे बेटे को? इरफान, क्या हुआ मेरे बेटे को? लाइट क्यों बंद कर दी आपने? इरफान, 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 लाइट क्यों बंद कर दी आपने? नर्स, पुट ऑन द लाइट, पुट द लाइट ऑन। इरफान, 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 कल सब इसे उठाइए ना। क्या देख रहे हो बरखुरदार, बंदूकें? कौन है ये गीला बादशाह? ये मेरा बेटा अल्ताफ है। अल्ताफ? और मेरा नाम सूफी, सूफिया परवेज। और आपका नाम क्या है? तुम मुझे नहीं जानती, मलिकुल खान नाम है मेरा, कश्मीर की आजादी का सिपाही। मेरा नाम सुना है ना? शाम होने वाली है ना, चलो। लेकिन मैं तो अल्ताफ के साथ। बड़ों की बात मानते हैं ना। बच्चे इधर आओ, हमारे पास लीजिए, आओ। शुक्रिया। क्या देख रहे हो हैं? इसे कहते हैं कलाश्निकोव बच्चे, ये सब खिलौने हैं, इसके खेल में बहुत मजा आता है। खेलोगे? नहीं खेलोगे? खेल लो। नहीं खेलोगे?
आओ बच्चों आओ, आओ इधर आओ, जल्दी आओ, लो पटाखे लो, मुझे भी दो ना, लो तुम भी लो, पहले मैं जलाऊंगा, नहीं मैं जलाऊंगा, सब एक साथ जला देते हैं। खाना बड़ा लजीज है, हमारी मोहब्बत में बनाया है कि बंदूक का डर से है। शादी है, पटाखा जला रहे। दावत तो हमें भी दी थी रजाक, लेकिन हम नाजिर हसन के यहाँ बिन बुलाए मेहमान हैं। नहीं बिल्कुल नहीं। जाने दो मोहतरमा, बच्चों की खुशी में ही कुदरत की फूलझड़ियां छूटती हैं। जा बेटा खेल। भाईजान मेरी गुड़िया रह गई। जो भी सामने आया मैंने उसे मार डाला। कौन मिलिटेंट था कौन नहीं कुछ दिखाई नहीं दिया मुझे नीलो। आपने जो भी किया जानबूझकर नहीं किया, आपकी जगह मैं होती तो शायद मुझे भी कुछ नहीं दिखाई देता। मैं भी सोचती हूं मैंने क्यों मोबाइल खींची। मैं अगर उसे खेलने देती तो यहाँ होता हमारे साथ। मैंने अपने हाथों से उसकी जान ली है, मैंने उसे मारा है। तुमने उसे जानबूझकर नहीं मारा नीलू। I'm sorry. बच्चा कहाँ है? हम उसे अपने घर नहीं ला सकते। लेकिन उसने आपको देखा तो नहीं? वो मुझे घूर रहा था नीलू। पर आपका चेहरा तो ढका हुआ था नकाब से, और वो नकाबपोश तो कोई भी हो सकता है, कोई भी, आप नहीं। देखिए भगवान ने हमें मौका दिया है, उसे घर मिल जाएगा और हमें अपना बेटा तो हमें मिल जाएगा नीलू। लेकिन कैसे? उसे झूठ बोलकर, उसे धोखा देकर, या उसे ये छुपा करके मैंने उसके माँ बाप को मार डाला है, सब कुछ लूट लिया है मैंने। क्या बात कर रही हो तुम? हम उससे झूठ तब बोलेंगे ना जब वो पूछेगा। आप उसे घर तो लेकर आइए, उसने जो भी खोया है मैं उसे वापस दूंगी। इतना प्यार करूंगी जितना इरफान को नहीं किया।
जितना उसके माँ बाप ने उसे नहीं किया होगा। किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी और हम उसे धोखा भी नहीं देंगे। जब वो बड़ा हो जाएगा समझदार तो हम उसे सब सच सच बता देंगे सब कुछ। प्लीज ले आइए ना।